नमस्कार जैन साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फायर ऑनलाइन क्लास पर। साथियों, आप सभी के लिए मैं नई नई अपडेट लगातार बताते जा रहा हूं। साथियों, एक और आप सभी के लिए अपडेट आ चुकी है जो कि है CISF के अंदर। साथियों, फायरमैन की नई अपडेट निकल के आई है। साथियों, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। फॉरम अभी इसके शुरू नहीं हुए हैं, तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको जानकारी दे देता हूं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में, जो भी फायरमैन का फॉर्म अप्लाई करना चाहता है या फायरमैन की तैयारी कर रहा है उसको अप्लाई जरूर करना। तो साथियों, शुरू करते हैं वीडियो को, चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। साथियों, यहाँ पर हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं CISF, ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स नोटिस, आपका रिक्वायरमेंट कॉन्स्टेबल फायर। यहाँ पर इस फॉर्म को ध्यानपूर्वक देखना, इस फॉर्म को मेल विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं फॉरम स्टार्ट होने की डेट भी बता देता हूँ। 31/8/2024 को आपका फॉरम शुरू होने वाला है, जो कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा जाएगा, ठीक है, और आपके 30/9/2024 एक मंथ तक आपका चलने वाला है कंप्लीट प्रोसेस, ठीक है। साथियों, यहाँ पर मेल इंडियन सिटीजन विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर मैं सैलरी के बारे में बता देता हूँ। 21,700 से आपकी 69,100 आपकी सैलरी रहने वाली है, ठीक है। लेवल आपका 3 रहने वाला है, पे लेवल आपका 3 यहाँ पर रहने वाला है, ठीक। साथियों, आगे जान लेते हैं हमारे फायर के बारे में, और इसमें जो मोस्ट अपडेट है वह मैं बता देता हूँ। ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी आपकी रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, बताया गया है एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन मोड रहेगा, ठीक है। सेकंड में बताया गया है फिजिकल यानी PET, आपका PST टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन होगा, OMR टेस्ट यानी आपका ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन के माध्यम से भी हो सकता है। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका अगर मेडिकल टेस्ट में आपका DEM या अगर आप रह जाते हो तो आपका RME करवाएंगे, ठीक है, यहाँ पर मेडिकल के अंदर। तो यहाँ पर बता दिया गया है पहले फिजिकल PET होगा, फिर PST, फिर आपका एग्जाम होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि रिटर्न एग्जाम अंडर OMR या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। मोड विल बी कंडक्ट ओनली इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, दोनों लैंग्वेज के अंदर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और आगे यहाँ पर बताया गया है साथियों, वेरिफिकेशन होगा आपका, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, आपका जो एग्जाम होने के बाद, मेडिकल होने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। साथियों, यहाँ पर हम आगे जान लेते हैं कि फायर कांस्टेबल की भर्ती है, ये अपनी ऑल ओवर इंडिया की रहने वाली है, ठीक है। अलग अलग स्टेज में अलग अलग यहाँ पर आपकी वैकेंसी रहने वाली है, किसी के अंदर 30 है, किसी के अंदर अलग अलग यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कितनी आपकी पोस्ट खाली रह गई है, स्टेज वाइज मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं पे स्केल के बारे में मैंने बता दिया है, आपका सिटीजन इंडिया रहने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं अंडमान निकोबार के अंदर यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है, आंध्र प्रदेश के अंदर टोटल 27 सीट है, अरुणाचल प्रदेश में टोटल 15 है, असम में 164 सबसे ज़्यादा असम के अंदर रहने वाली है, बिहार में 56 पोस्ट है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, और आपका चंडीगढ़ में नहीं है, छत्तीसगढ़ के अंदर आपकी 14 सीट है, और आपका यहाँ पर अलग अलग आपकी रहने वाली है। छत्तीसगढ़ के अंदर 2 स्टेट हैं, यहाँ पर 14 और 41 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। इसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा सभी के अंदर आपकी यहाँ पर रहने वाली है, और आपकी यहाँ पर राजस्थान का भी दिया गया होगा शायद, यहाँ पर आपका राजस्थान का नहीं दिया है, यहाँ पर आपका दिल्ली, गुजरात, हरियाणा का यहाँ पर आपके बताया गया है। इसके अंदर 20 सीट अवेलेबल है, ठीक है, सबसे ज़्यादा असम के अंदर दी गई है। राजस्थान के अंदर यहाँ पर बताया गया है कि आपके टोटल 37 सीट रहने वाली है। तो साथियों, आपको नोटिफिकेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल के जो व्हाट्सअप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर टोटल आपकी पोस्ट रहने वाली है 1130 आपकी टोटल पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। साथियों, यहाँ पर आपकी फ़ीस के बारे में जानकारी जान लेते हैं क्या रहने वाली है। सबसे पहले हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं कि आपको फॉर्म भरने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है आप 12वीं पास होने चाहिए, ठीक है, लेकिन आर्ट्स वाले विद्यार्थी हैं उनको यहाँ पर प्रॉब्लम होने वाली है। यहाँ पर साइंस, जो 12वीं के अंदर साइंस लेके रखा है, वही विद्यार्थी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, ठीक है। साथियों, यहाँ पर आर्ट्स वाले विद्यार्थियों को निराश यहाँ पर रहने वाली है, निराशजनक खबर रहने वाली है, ठीक है। साथियों, यहाँ पर 12वीं पास लेकिन उनके पास साइंस सब्जेक्ट रहना अनिवार्य है, वहीं इस ऑनलाइन एप्लीकेशन को इस कांस्टेबल फायर भर्ती में अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, आपकी एज लिमिट है 18 से 23 ईयर्स एज लिमिट रहने वाली है, जो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है वहां सर आपकी काउंट की जाएगी, एज लिमिट को यहां पर आपका काउंट किया जाएगा, ठीक है। आगे एज रिलेक्शन के बारे में जानकारी जान लेते हैं। एज रिलेक्शन रहने वाली है SC ST के अंदर 5 साल की, OBC के 3 साल की, एक्स सर्विसमैन भी रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पर जानकारी जान लेते हैं आगे,
उसके बाद हम जानकारी जान लेते हैं, हमारी आ जाती है एप्लीकेशन फ़ीस। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर देख सकते हैं सभी के लिए 100 रुपये रहने वाले हैं। ठीक है, लेकिन यह फ़ीस रहने वाली है जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए रहने वाली है। जो विद्यार्थी एससी एसटी के अंदर एक्सर्विस मैन आते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर फ़ीस पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्री यहाँ पर उनका फॉर्म भरा जाएगा। 100 रुपये लगने वाले हैं जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी विद्यार्थियों के, यहाँ पर 100 रुपये रहने वाले हैं। ठीक है साथियों, यहाँ पर फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है और फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जिन विद्यार्थियों के पास 12वीं के क्लास के अंदर आपके पास साइंस है, वही विद्यार्थी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। आगे यहाँ पर बताया गया आपका करेक्शन डेट, करेक्शन डेट बताया गया है 10/10/2024 से 12/10/2024, यानी 10 तारीख फिर 11 और 12 तारीख तक आप, अगर आपके फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम हो गई हो या कुछ मिस्टेक हो गई हो तो आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, आप करेक्शन को, आपका करेक्शन करने के लिए आपको एक ही बार मौका मिलेगा, वन टाइम आप यहाँ पर आपके फॉर्म के अंदर करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आप फॉर्म को बहुत सावधानीपूर्वक भरना। आगे हम बात कर लेते हैं आपकी रिक्वायरमेंट प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था पीटी और पीएसटी होगा, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, पीएसटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। होने वाला है पीटी, पीटी के अंदर आपकी रनिंग आ जाती है 24 मिनट के अंदर, 5 किलोमीटर की रनिंग आ जाती है। फिर आपकी आ जाती है पीएसटी आ जाती है, पीएसटी के अंदर आपका हाइट और आपका जो चेस्ट है यह देखा जाएगा। वह भी जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं, हाइट रहने वाली आपकी 170 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 और फुलानी होगी आपकी 85 सेंटीमीटर तक। ठीक है, 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंशन यानी फुलानी होगी। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि अंदर यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड में यानी फिजिकल के अंदर रिलेक्शन के बारे में बताया गया है, किन किन को छूट यहाँ पर मिलने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट बिलोंग हिल्स एरिया यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे उनको हाइट के अंदर 165 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी और चेस्ट के अंदर 78.83 सेंटीमीटर, सॉरी चेस्ट के अंदर आपकी 78 से 83 आपकी चेस्ट रहने वाली है, 78 आपकी सिंपल और 83 सेंटीमीटर तक आपको चेस्ट फुलानी होगी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर छूट मिलने वाली है, जो अदर जो हिल्स एरिया से विद्यार्थी बिलोंग करते हैं उनको भी बहुत अच्छा यहाँ पर मौका मिलने वाला है। साथियों यहाँ पर आगे और देख लेते हैं आपका इस पीएसटी के अंदर और भी क्या छूट दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं जो दार्जिलिंग और यहाँ पर दार्जिलिंग से आते हैं और यहाँ पर कालिमपोंग से आते हैं, उनको भी यहाँ पर छूट दी गई है 162 सेंटीमीटर हाइट के अंदर और 77 से 82 सेंटीमीटर तक आपकी चेस्ट के अंदर छूट यहाँ पर दी गई है। देख सकते हैं आप, आपको नोटिफिकेशन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, उसके बाद आप फॉर्म को अप्लाई करना, अभी बहुत समय है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट मोस्ट जानकारी हम यहाँ पर जान लेते हैं आपका नेक्स्ट जो रहने वाला है रिटर्न एग्जाम, जो क्या होगा ओमार या कंप्यूटर टेस्ट। ये बोले हैं कि हम अपने हिसाब से देख लेंगे, कंप्यूटर टेस्ट कराना है या ओमार शीट कराना, जिस प्रकार विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे उसी प्रकार से यहाँ पर आपका यहाँ एग्जामिनेशन होगा, या आपका ऑफलाइन होगा या आपका ऑनलाइन होगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आपका सब्जेक्ट क्या क्या सिलेबस के अंदर आने वाला है। 120 मिनट का आपको यहाँ पर आपका जो पेपर रहने वाला है 120 मिनट का रहने वाला है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल नॉलेज और अवेयरनेस, एलिमेंट्री यानी आपको जो मैथ के क्वेश्चन है वो आएंगे, इंग्लिश हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, सभी आपके 25-25 नंबर के ये सभी आएंगे। 120 मिनट का समय रहेगा, सभी 25 नंबर का आएगा, एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 25 क्वेश्चन होंगे, एक नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये आपके सिलेबस के अंदर रहने वाला है, इसको ध्यानपूर्वक देख लेना क्या क्या आने वाला है। ठीक है, फायर से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं दी है कि आपका यहाँ पर फायर के भी क्वेश्चन आएंगे, तो आप फायर के क्वेश्चन थोड़े बहुत पढ़ के जाना, ज़्यादा ध्यान आपका रहना चाहिए जनरल नॉलेज पे रहना चाहिए। ठीक है, आपका रीजनिंग और आपका मैथ पे, हिंदी इंग्लिश पे, इस पे ज़्यादा ध्यान आपका सिलेबस में रहना चाहिए। यहाँ पर आपका जो मोस्ट मोर जानकारी मैंने बता दी है, और जानकारी मैं इस नोटिफिकेशन के माध्यम से देख लेता हूँ कि क्या क्या जानकारी रहने वाली है, और इस भर्ती से संबंधित आपको हर वीडियो मिलेगी क्या क्या सिलेबस में रहने वाला है, अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अप्लाई करने हैं, सभी जानकारी आपको हर छोटी छोटी पार्ट से मैं बना दूंगा। और जानकारी जान लेते हैं क्या मोस्ट जानकारी इसमें रहने वाली है। साथियों यहाँ पर आगे जो मोस्ट जानकारी आपकी रह रही, लास्ट जानकारी जो रह रही है वो बताया गया है मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन किस प्रकार होने वाला है आपका। जो सबसे पहले पीटी पीएसटी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, आपका जो एग्ज़ाम होगा और आपका जो मेडिकल होने के बाद आपका जो परसेंटेज बेस पर यहाँ पर आपको इस भर्ती के अंदर लिया जाएगा, क्वालिफिकेशन लिया जाएगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ईएसएम कैटेगरी विद्यार्थियों को 35% इस एग्ज़ाम में पास होने के लिए, एससी एसटी ओबीसी को 33%। ठीक है, तो यहाँ पर तो साथियों यह थी आपकी लास्ट जानकारी मोड सिलेक्शन तक, और नीचे आपको बताया गया है कि फॉर्म किस प्रकार आपको अप्लाई करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, वहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर यहाँ पर आपको अप्लाई करने के प्रोसेस बताया गया है। साथियों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इससे संबंधित नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।